हेलो गाइस, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। शादी में गधों के ऊपर काला और सफेद पेंट करके और उनको बना दिया जेब्रा, और जेब्रा बनाने के बाद उनके खुल गई पोल। ये कैसे, कहाँ की घटना है और पोल किसने खोली है और ऐसा क्यों हुआ था, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शादी गाइस एक बार होती है और उसमें नई नई चीजें करने के लिए हर कोई इंसान सोचता, दूल्हा के परिवार, दुल्हन के परिवार सोचते हैं कि कुछ अलग सी चीज हो कि ये शादी यादगार रहे। इसी तरीके से ये शादी तो यादगार रही, पर ऐसा सब चीजें क्यों हुई, कहां पर हुई, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूं। हमारे साथ बने रहिए। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये घटना स्पैनिश बीच टाउन के एक जगह पर हुई। वहां पर एक शादी की रिसेप्शन चल रही थी और शादी की रिसेप्शन जब चल रही थी, उससे पहले दूल्हा के घर वालों ने और दुल्हन के घर वालों ने अधिकारियों से एक मांग की थी, जो रिसेप्शन की पार्टी का इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले थे उनसे मांग की थी, इस थीम को, हमारे रिसेप्शन को एक सफारी थीम बना दिया जाए और ये चीज यादगार रहे। और उन्होंने ये चीज मांग की थी कि इस जगह पर जेब्रा को लाया जाए कि हमारे जो लोग आए वो देख के खुश हो और वहां पे बच्चे आए वो देख के खुश हो और हमारी भी ये शादी यादगार रहे। तब वो चीज तो उन लोगों ने की और वहां पर सफारी थीम भी बनाया और वहां पर जेब्रा भी लेके आए। और जेब्रा जब लेके आए तब उसमें से दो जेब्रा कम पड़ गए, और जब दो जेब्रा कम पड़ गए तब उन्होंने सोचा कि जेब्रा कम पड़ गए हैं तो उसकी वजह से उन्होंने गधों को, दो गधों को लेके आके उनके ऊपर काला और सफेद पेंट मार के वहां पर सामने खड़ा कर दिया। और इस चीज के बारे में तब पता चला जब रिसेप्शन पे खड़े दो शख्स, जो शादी में, जो रिसेप्शन में आए हुए थे, तब उन्होंने उस गधे को घास खाते हुए देखा और दूर से देखा और उसके बाद उसके पास आए, और पास आने के बाद उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तब उनको पता चला कि ये जेब्रा नहीं है, ये सिर्फ गधे हैं। और इस चीज से बहुत सारे लोग निराश हुए और उसके बाद ये पोल खुल गई और इन्होंने कंप्लेंट भी की और बहुत सारे लोगों ने उन इवेंट ऑर्गेनाइजर की निंदा भी की और इस चीज की कंप्लेंट पशु अधिकारियों को भी कर दी कि ऐसी इस तरीके से गधों का शोषण किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लो। जब उन लोगों ने इस चीज के, इस मामले के बारे में सुना तब उन लोगों ने उनके ऊपर ये एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। वहां के लोग जो कि रिसेप्शन में आए थे उन्होंने बहुत ज्यादा निंदा की कि इस तरीके से गधों का शोषण किया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने वीडियोस वगैरह भी बनाई और वीडियोस वगैरह बना के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डाली और फेसबुक पर भी वीडियोस डाली। उसके साथ उन्होंने लिखा कि गधों का अस्तित्व खतरे में है, इस तरीके से गधों का शोषण किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया और उनके ऊपर और भी ज्यादा निंदा की, और लोग सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा गुस्से में है। सो गाइज, जानवर जो होते हैं वो तो एक बेजुबान होते हैं, और उनको हम जैसे इंसान जो कि इतने अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए उन बेजुबान जानवरों को कुछ भी करके सामने खड़ा कर देते हैं कि कहीं पे बांध देते हैं, तो ऐसा करना सही है क्या? बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते तो उनके साथ कुछ भी करना सही है क्या? आपको क्या लगता है इसके बारे में? और जो वहां पर शादी के लिए आए थे, जो कि उन्होंने डिमांड की थी, उनकी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई होगी, लोगों के सामने कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई होगी? आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की न्यूज आपको हमारी अच्छी लगी है तो उसके लिए एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।